हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज फ्री बात करने वाले हैं। यदि आपके पास मंत्र डिवाइस है और आपके सिस्टम में जब भी आप अपना मंत्र डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हम अपना डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपना सिस्टम में, जैसे कि हमने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और अभी आपको देखा मैसेज देखने को मिला है, यहाँ पर डिवाइस अटैच, यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज अपडेट योर आरडी सर्विस टू लेटेस्ट वर्जन। बोल रहा है कि अभी आपके जो कंप्यूटर में आरडी सर्विस इंस्टॉल्ड है वो ओल्ड हो चुका है और मंत्रा ने नया आरडी सर्विस है लॉन्च कर दिया है। तो अभी आपका मंत्रा का वेबसाइट पर जाकर आरडी सर्विस को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा मंत्रा आरडी सर्विस, फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाता है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है इसी वाली वेबसाइट को। यहाँ पर कैप्चा आता है तो कैप्चा को आपको फिल कर देना है, जैसे हम कैप्चा को फिल कर देते हैं इधर, उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने स्क्रीन इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आपका डिवाइस का जो मॉडल है, मॉडल के अकॉर्डिंग आपको आरडी सर्विस है यहाँ पर डाउनलोड करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर MS 100 यह वाला डिवाइस है, तो ये वाला आरडी सर्विस को हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए ये वाला लिंक पर क्लिक करना होगा, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और अभी हम इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और यहीं से इसको रन कर देते हैं इस फाइल को। जैसे कि अब ये डाउनलोड हो गया, तो इसको राइट क्लिक करते हैं इस पर और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यस बटन पर क्लिक कर देना है और ये बोल रहा है प्रीवियस वर्जन यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर यस कर देना है। और अभी ये नया वर्जन है यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है, कुछ देर आपको वेट करना होगा। यहाँ पर अभी इसने अनइंस्टॉल किया है प्रोग्राम को, पहले तो पिछला आरडी सर्विस को, तो देखते हैं क्या। यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है और इंस्टॉल वेट करना है, जैसे कि ये कुछ सेकंड में अभी इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना जो मंत्र डिवाइस है उसको यूएसबी केबल को हटाते हैं और वापस लगाते हैं सिस्टम में। जैसे कि हम लगा लेते हैं, वापस इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या एरर देखने को मिलता है, सक्सेसफुली आता है या नहीं। तो यहाँ पर प्रयोग सक्सेसफुली हो चुका है, एक बार फिर से हटा लेते हैं एक बार इसको और फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर लिखा आता है मैसेज, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ मैसेज यहाँ पर लिखा गया फ्रेम इज रेडी टू यूज, ठीक है। तो हमारा डिवाइस वर्क करना स्टार्ट हो गया है। अभी हम आपको लाइव करके दिखा देते हैं, एक बार लाइट में लाइट जला के दिखा देते हैं डिवाइस में। इसके लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट वाला ये मंत्रा का ये खोल लेते हैं वेबसाइट है, यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं स्टार्ट टेस्ट पे। और आपकी डिवाइस में लाइट जल गया है, देखो यहाँ पर लिखा है पुट योर फिंगर और कैप्चर सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।